और आइए देखते हैं आज के कुछ चटपटी खबरें। कुल्फी कुमार बाजेवाला में आ गया है फरिश्ता, जो कुल्फी को बना देगा सुपरस्टार और मिलवा देगा उसके पापा से। सीरियल जीजा जी छत पर में है होने वाली है अजीबोगरीब शादी। हां जी, इलायची कर रही है छोटू से शादी, जो एक नन्ना सा प्यारा सा कुत्ता है। देखिए सीरियल नामकरण में याद आने लगी है अवनी को, अपने प्यार के कैसे रूठने मनाने का सिलसिला चला करता था नील और अवनी के बीच में। सीरियल रिश्ते में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। ये क्या, नायरा तो डॉक्टर को दिखाने गई थी और उसको मिल गया खुश होने का जरिया। हाँ जी, ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसके बाद नायरा बन जाएगी माँ। सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में कुल्फी की लाइफ में होने वाली ऐसी शख्स की एंट्री जो उसको सिखाएगा गानों की बारीकियां और उसे बना देगा सुपरस्टार। हाँ जी, ये ऐसा शख्स है जो कुल्फी को सुपरस्टार बनाने के साथ साथ उसे उसके पिता से मिलाने का रास्ता भी दिखाएगा। इसमें देखने को ये मिलेगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में बेटी और पिता गाते हुए दिखेंगे। आपको तो पता ही है कि कोई कैसा भी गाना हो उसको वो फटाफट निभा देती है और एक बार सुनने के बाद उसे बखूबी याद कर लेती है और उसे अच्छे से अच्छा गाने की कोशिश करती है। शायद ये हुनर उसको विरासत में ही मिला है। सीरियल जीजाजी छत पर है में देखा कैसे इलायची जीजाजी को नाच नाच कर चिढ़ा रही है, पर अब जीजाजी छत पर नहीं मिलेंगे। हाँ जी, वो मिलेंगे इलायची के घर में। जी हाँ, इलायची की शादी जो हो रही है। शादी से पहले संगीत की घड़ी आ गई, जिसमें सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, फिर चाहे इलायची हो या उसके मम्मी पापा या खुद जीजाजी। अब आप सोच रहे होंगे कि दुल्हन रानी तो यही है, पर दूल्हे राजा कहाँ है? पर आप डरिए मत, दूल्हे राजा भी यही है, जिनका नाम है छोटे। हाँ जी, यही सही सुन रहे हैं आप। ये नन्ना सा दूल्हा और कोई नहीं बल्कि एक नन्ना सा कुत्ता है, जिससे इलायची की होने वाली है शादी। सीरियल नामकरण में के जो कभी दुश्मन होता था नील का, लेकिन जरा आज इसी को देखिए कि कैसे नील की जान यानी कि अवनी को कैसे मना रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि के अवनी की बेटी आयशा से बहुत प्यार करने लगा है और अवनी को अभी यही लगता है कि आयशा अभी ना समझे और उसकी अभी प्यार करने की उम्र नहीं है। बस यही वजह है कि वो थोड़ी सी नाराज है। आप जरा देखिए कि कैसे के और आयशा अवनी को प्यार से मना रहे हैं और इसी रूठे नहीं मनाने के सिलसिले में अवनी को भी अपने प्यार की याद आ गई। अवनी, यादों में खेल का सिलसिला खत्म कर लीजिए और थोड़ा सोचिए कि नील के करीब आने के लिए। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। पूरी फैमिली चाहती है कि नायरा और कार्तिक किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि ट्रीटमेंट के बाद नायरा कंसीव कर सके, और नायरा डॉक्टर के पास चली भी जाती है तो डॉक्टर नायरा को बोलती है कि उसके फ्लिपिंग ट्यूब में ब्लॉकेज है, पर सर्जरी के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। ये खबर सुनने के बाद पूरी फैमिली खुश हो जाती है और नायरा को भी खुश होने की होप मिल जाती है। उसकी लाइफ में एक ऐसी होप आ जाती है, मतलब उसके प्रेगनेंस होने का चांस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। अब हम तो यही दुआ करते हैं कि नायरा का ये मुश्किल वक्त भी जल्दी से जल्दी टल जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं सीरियल के नए तड़कों के साथ। मैं गरिमा लेती हूँ आपसे इजाज़त।